गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर तक हमने इनपुट डिवाइसेस देखा था, आज हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। आउटपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट अलाउ इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड। ऑल दिस डिवाइसेस आर नोन एज द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम ETC। तो सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस में देखेंगे प्रिंटर। प्रिंटर इज़ द सेकंड मेन आउटपुट डिवाइस अमंग ऑल आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर क्या है कि दूसरा इम्पॉर्टेंट डिवाइस है बाकी के आउटपुट डिवाइसेस से। जैसे कि सबसे पहला अगर कोई इम्पॉर्टेंट डिवाइस है या फिर उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, वो क्या है, वो है मॉनिटर। और मॉनिटर के बाद में अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई दूसरा डिवाइस है तो वो है प्रिंटर। प्रिंटर्स आर द मोस्ट पॉपुलर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस यूज टूडे। जो आज बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है वो है प्रिंटर, जो बहुत ही पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है। टू गेट द रिजल्ट इन द प्रिंटिंग मैनर द प्रिंटर शुड बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर बाय केबल। केबल से कंप्यूटर को प्रिंटर अटैच होता है और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में, प्रिंटिंग बोर्ड में हमें जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो प्रिंटर से मिलता है। प्रिंटर्स प्रिंट रिजल्ट ऑन पेपर विच इज़ लोडेड इन इट्स पेपर ट्रे। द स्पीड ऑफ प्रिंटर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच पेपर गेट्स प्रिंटेड इन अ मिनट फ्रॉम द प्रिंटर। प्रिंटर की जो स्पीड है वो कैसे डिसाइड की जाती है कि जो भी हमने पेपर लोड करे हैं तो एक मिनट में कितने पेपर वहाँ से बाहर निकलते हैं, कितने प्रिंट हम देते हैं, जो भी प्रिंट देते हैं तो एक मिनट में कितने ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं, उस पर उसका स्पीड होता है। इस प्रिंटर के भी बहुत से टाइप्स है, चूँकि बहुत पहले भी यूज़ किया जाता था प्रिंटर और आज तक के प्रिंटर में बहुत सारे जो डिफरेंस आए हैं। जैसे कि सबसे पहले या फिर उसके टाइप्स जो है वो है, पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। शायद आपने कभी बिल भरा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ही बड़ा एक प्रिंटर होता है जो आवाज़ करता है, तो वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। उसमें इंक होती है। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर कैरेक्टर प्रिंटर दैट प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। दे फॉर्म कैरेक्टर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ इमेजेस एज पैटर्न्स ऑफ डॉट्स। डॉट्स के पैटर्न में उसको प्रिंट करते हैं, इसलिए उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। इट इज़ अ प्रिंटर इन विच द कैरेक्टर और नंबर्स आर मेड अप बाय अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड डॉट। बहुत ही क्लोज स्पेस में डॉट को हैमर किया जाता है, इम्पैक्ट किया जाता है, और इम्पैक्ट से जो भी इमेज है उसका पैटर्न क्रिएट किया जाता है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट इज़ अ प्रिंटर इन विच द कैरेक्टर्स और नंबर्स आर मेड अप ऑफ द सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड डॉट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मेक यूज ऑफ पिंस फॉर प्रिंटिंग। पिंस होते हैं वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं डॉट मैट्रिक्स में। द पिन स्ट्राइक ऑन द रिबन, और रिबन में इंक लगी होती है, एंड ईच पिन हिट द इंक रिबन अ डॉट अपीयर्स ऑन द पेपर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स फ्रॉम कैरेक्टर्स एंड इलस्ट्रेशन। फिर जो कॉम्बिनेशन होता है डॉट्स का वो जोड़ के और उसको हिट किया जाता है, इम्पैक्ट किया जाता है उस पर रिबन पे, और उसके आगे जो होता है पेपर होता है। अब रिबन में जो इंक लगी होती है वो जो भी हम वहाँ पे डॉट से इलस्ट्रेशन बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो प्रिंट होता जाएगा पेपर पे। द प्रिंटिंग हेड हैज़ 7 नीडल्स अरेंज इन अ वर्टिकल लाइन्स एंड 5 नीडल्स इन अ हॉरिजेंटल लाइन्स। फीचर्स क्या है डॉट मैट्रिक्स के, दे आर वेरी स्लो। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये बहुत स्लो होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस कलरफुल आउटपुट। डेफिनेटली ये कलरफुल आउटपुट नहीं देता, ये ब्लैक एंड वाइट ही देता है। दे मेक साउंड, इम्पैक्ट प्रिंटर है वो साउंड करता है। दे प्रिंट बाय द हैमरिंग पिंस ऑन द लिंक्ड रिबन। रिबन जो लिंक्ड इंक्ड रिबन होती है, वो इंक रिबन पे क्या होता है, पिंस को हैमर किया जाता है, इम्पैक्ट किया जाता है, स्ट्रोक दिया जाता है, उससे फिर जो भी डेटा है पेज पे वो बनता है। इसके बाद में आता है फिर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कंसिस्ट अ प्रिंट हेड विच हैज 64 स्मॉल होल्स और नोजल्स। नाउअडेज इंकजेट प्रिंटर अवेलेबल ऑफ मोर देन 64 होल्स और नोजल्स। इंडिविजुअल होल्स कैन बी हीटेड वेरी रैपिडली बाय एन इंटीग्रेटेड सर्किट रेसिस्टर्स। व्हेन द रेसिस्टर्स हिट्स अप द इंक नियर वेपोराइजेज एंड इज इंकेड थ्रू द नोजल एंड मेक्स अ डॉट ऑन अ पेपर। ऑलमोस्ट ये भी टेक्नोलॉजी डॉट मैट्रिक की जैसी है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है, इसमें एक जो लाइन है
वो एट अ टाइम प्रिंट होती है इंकजेट में। टेक्नोलॉजी क्या है, प्रिंट हिट विच एज अ, इसमें क्या होता है 64 स्मॉल होल्स होते हैं और नोजल्स होता है। होता क्या है कि जब वो नोजल गोल गोल घूमता है तो जो भी लाइन उसको प्रिंट करनी होती है वो लाइन के इंक को लेके घूमेगा और उसमें इंक छोड़ देगा। जैसे उसमें इंक छोड़ेगा वो प्रिंट हो जाएगी पेपर पे, फिर घूमेगा, फिर उसमें जो होल्स होते हैं वो फिर से वो डेटा लेगा और डेटा की जो लाइन होती है उसको लेगा, उसमें इंक भर देगा, फिर से घूम जाएगा। ऐसे घूमते घूमते एक एक लाइन वो हर बार प्रिंट करके रिलीज़ कर देगा। और फिर पेपर आपने देखा भी होगा कि फ़ोटो जो प्रिंटर होते हैं, फोटो प्रिंटर जनरली ऐसे करते हैं, डॉट डॉट्स के एक लाइन 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 बनाते बनाते वो छोड़ते हैं। इसके कुछ इस प्रिंटर प्रिंटर के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि दे आर मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिंटर्स, ये ज़्यादा यूज़ किए जाते क्योंकि थोड़े से सस्ते होते हैं। ये रेजोल्यूशन इज़ हायर दैन डॉट मैट्रिक्स, इसका रेजोल्यूशन अच्छा होता है। दे आर रिलायबल प्रिंटर, ये रिलायबल प्रिंटर होते हैं। दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, थोड़े कम खर्चे के होते हैं। इट प्रोड्यूस 90 to 20 पेजेस पर मिनट, 19 to 20 पेजेस तक एक मिनट में ये निकाल सकते हैं। यूज़ ऑफ मल्टीपल नोजल्स इन कलर इंकजेट प्रिंटर्स मेक्स द प्रिंट आउट वेरी अट्रैक्टिव। इंकजेट टेक्नोलॉजी में कलर प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं जो कि इसमें नहीं किए जाते, डॉट मैट्रिक्स में नहीं किए जाते। फिर जो आता है तीसरा प्रकार आता है इसका, जो होता है लेज़र प्रिंटर का। लेज़र प्रिंटर वाइडली यूज्ड प्रिंटर है, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर्स आर असेंबल्ड विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेज़र एंड इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्निक। इन केस ऑफ इन दिस प्रिंटर्स आर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड लेज़र बीम ट्रेसेस आउट द डिज़ायर कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन अ फोटो कंडक्टिव ड्रम। एक जो फोटो कंडक्टिव ड्रम होता है वो क्या करता है कि एक इमेज लेता है, जो भी हम प्रिंट देना चाहते हो इमेज को स्कैन कर लेता है या फिर इमेज को ग्राफ कर लेता है, और ग्राफ करके उसको फिर फोटो कंडक्टिव ड्रम्स के द्वारा पूरी के पूरी इमेज को एट द सेम टाइम एट ए टाइम उसको प्रिंट कर देता है। द ड्रम अट्रैक्ट इनटू द इंक टोनर एंड एक्सपोज्ड द एरिया। दिस इमेज इज ट्रांसपोर्ट टू द पेपर विच कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद द ड्रम। ड्रम के कॉन्ट्रैक्ट में जो इमेज आती है, जो इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्निक से उसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है, प्रिंटर के जो मेमोरी है कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है, उसको पूरा का पूरा जो इमेज है उसको प्रिंट कर देती है लेज़र। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसके फ़ायदे ये है कि ये बहुत ही फास्ट होता है। लेज़र प्रिंटर कलर में भी रह सकता है, बहुत सारे पेजेस जो है वो 4 to 8 or 12 पेजेस तक एक मिनट में ये निकाल सकता है। कुछ फीचर्स है इसके, यूज़ ऑफ द लेज़र बी लाइट बीम, इसकी टेक्नोलॉजी है लेज़र लाइट बीम। दे आर मोर कॉस्टली देन इंजेक्ट से कॉस्टली होते हैं लेकिन लेस एक्सपेंसिव कंपेयर्ड विथ ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। कॉस्टली होने के बाद भी इसका जो प्रिंट होता है वो सस्ता होता है, प्रिंट जो निकलता है इसका ये सस्ता होता है। प्रोड्यूस एक्सलेंट लेटर एंड ग्राफिक्स क्वालिटी, डेफिनेटली इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। स्पीड इज़ वेरी हाई, रिलायबल होता है, वराइटी ऑफ साइज इसमें निकाल सकते हैं। कैन बी यूज फॉर मेंटेनेंस फॉर मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, हम किसी भी टाइप के कंप्यूटर को इसको अटैच कर सकते हैं। यूज़फुल फॉर प्रोड्यूसिंग द हाई क्वालिटी ग्राफिकल आउटपुट्स, दे आर ऑल्सो सूटेबल फॉर द होम यूज़, और हम होम यूज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द प्रिंटर्स एंड इट्स फैमिली। नाउ वी आर मूविंग ऑन द मॉनिटर एंड इट्स फैमिली फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।